Hello students, welcome back to the video. Today I've got a quick revision of financial management. तो हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का क्विक रिविजन करेंगे सो दैट अब हमारा फाइनल रिविजन इसी वीडियो से हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल इजी भाषा में हम बात करें तो इट इज बेसिकली पैसे का मैनेजमेंट, फ्लो ऑफ फंड्स. आपके पास फंड्स हैं, आपके पास पैसा है, अब आपने उन पैसे का क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन विद दैट मनी इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो ये तो हम बात कर रहे थे सिंपल टर्म्स में, अब आ जाते हैं बिजनेस की टर्म्स में. तो हमें अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखने आ रही है तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, बहुत आसान है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फ्लो ऑफ फंड्स एंड the decisions related to procurement of funds, investment of funds and distribution of earning among owners is done in financial management. ये तीन major चीजें आपको definition में include करनी चाहिए. Number one, procurement of funds का मतलब होता है funds का arrangement कहां से होगा, पैसा कहां से आएगा. Investment, अब मैं कहां उसको invest करूं so that रेट ऑफ रिटर्न हो जाए. एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. तो ये तीनों मेजर चीजें हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसाइड करते हैं. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सिंपल सीधा सा ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ. मेरे शेयर होल्डर्स कौन है, जिन्होंने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं. अगर मैं उनको खुश रखूंगा तो डेफिनेटली वो भी मुझे खुश रखेंगे. वो मुझे कैसे खुश रखेंगे, वो मेरे शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहेंगे. और मैं उनको कैसे खुश रख सकता हूं, आइए देखते हैं. लेट अस सी हाउ. एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट. मुझे ये इंश्योर करना है कि फंड्स सफिशिएंट रहें मगर एट रीजनेबल कॉस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे को क्या इंश्योर करना है कि सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हो लेकिन रीजनेबल कॉस्ट पे. बहुत ज्यादा पैसे का बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल ये सब नहीं होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट पे पैसा अवेलेबल होना चाहिए. देन इंश्योरिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. मुझे फंड्स को सही जगह पे लगाना है, इसी के लिए हम करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड थर्ड, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ फंड्स. कहीं चीटिंग, कहीं फ्रॉडुलेंट ये सब नहीं होना चाहिए, मेरे फंड्स की सेफ्टी, राइट. अगर मैं ये तीनों चीजें अच्छी, हेल्दी, गुड रखूंगा तो मेरे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और उनकी वेल्थ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली I will also be benefited, right? So this is the objective of financial management, maximizing shareholders' wealth. और कैसे maximize करेंगे, ये how मैंने आपको तीन points simple language में समझा दिए. अब इसके अंदर हम एक और चीज पढ़ेंगे, financial planning किसे कहते हैं. अब हमने जब planning पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि thinking in advance what to do, how to do and all that, ठीक है. अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम फंड्स के बारे में बात करेंगे. तो अब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन सी बातें याद रखनी है, एस्टिमेशन ऑफ फंड्स. फंड्स को एस्टिमेट करके रखना है कि मुझे लगभग कितने फंड्स चाहिए. रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, ये चेक करना है कि एग्जैक्ट मेरे को रिक्वायरमेंट कितनी है. एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स, और ये प्लान करना कि मैं किस किस से पैसा ले सकता हूं, मैं कहां कहां से फंड्स अरेंज कर सकता हूं. तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन में ये तीनों चीजें इंक्लूड करनी है, जो कि बहुत आसान है. अगर आपने ये इंक्लूड कर दी तो आपकी डेफिनेशन 100% करेक्ट हो जाएगी, ठीक है. अब फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाई डू वी डू. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने पॉइंट नंबर वन पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, हाउ का ऑब्जेक्टिव कि हम वेल्थ कैसे बढ़ाएंगे, और फाइनेंशियल प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, ये पहला पॉइंट सेम है दोनों टॉपिक्स में.
तो आपको एक ही बार समझना है, दोनों बार अप्लाई कर सकते हैं. क्या है? इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ फंड्स बट एट रीजनेबल कॉस्ट. अगर हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स का अरेंजमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है. ओके तो हमें ये एश्योर करना है कि फर्म खामे खा के खर्चे ना करे, वेस्टेज ना करे फंड्स को, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, और ऐसी यूटिलाइजेशन जिससे हमारा रेट ऑफ रिटर्न जल्दी हो और अच्छा हो. ऐसा ही प्लानिंग, ऐसी ही इन्वेस्टमेंट, ऐसी ही मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करी जाती है. तो अब आपको ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये लिख के अपने पास पढ़ के समझ के बहुत जल्दी ये दोनों चीजें बहुत इजीली अच्छे से दिमाग में सेट हो जाने वाली है. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.